हाल ही में सोशल मीडिया पर रानू मंडल ट्रॉल होती हुई सामने आई। यहाँ पर देखने को मिला सोशल मीडिया पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन, और उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था एक रैम वॉक के लिए। जी हाँ, एक मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप करती हुई नजर आई। इस मेकअप आर्टिस्ट ने उनकी तमाम तस्वीरों को यहाँ पर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यहाँ पर सोशल मीडिया के कई ऐसे मीम पेज थे जो ट्रॉल करते हुए रानू मंडल को सामने आए। लेकिन यहाँ पर मेकअप की वजह से रानू मंडल जो ट्रॉल हुई है, वो सिर्फ पहली बार रानू के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि बॉलीवुड की कई अदाकाराएं जो बहुत ही बड़ी सुपरस्टार हैं, वो भी अपने मेकअप की वजह से ट्रॉल होती हुई सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले नाम लेते हैं इस लिस्ट के अंदर प्रियंका चोपड़ा का। याद होगा आप सभी को उनका मेट गाला वाला लुक, जिसे कहा जाता है यहाँ मधुमक्खी का छत्ता। जी हाँ, उनकी तस्वीर को देखकर यहाँ पर कई तरह के मीम्स बने थे, कई तरह की बातें उठी थी, ट्रॉल उन्हें किया गया था। इस तस्वीर में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये लुक कितना ज्यादा वियर्ड लग रहा है प्रियंका पर। उन्होंने अपने बालों को कुछ ज्यादा ही यहाँ पर कर्ल किया हुआ है, और उनके इस बालों के लुक को ही देखकर नाम दिया गया था मधुमक्खी का छत्ता। तो वहीं उन्होंने जो मेकअप किया हुआ है वो हद से ज्यादा बोल्ड है, काफी ज्यादा डार्क है, जो उन पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। उन्होंने डार्क मेरून, व्हाइट, ब्लैक और पिंक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है अपने फेस के इस मेकअप पर कि उन्हें ट्रॉल किया गया। तो वहीं उनकी ड्रेस भी किसी को खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने साफ तौर पर ये बात कह दी थी कि मेट गाला के लुक अक्सर ही इसी तरह के होते हैं जो चैरिटी के लिए रखे जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड होते हैं। तो इस बात पर अगर कोई ट्रॉल करे तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। वह प्रियंका के साथ साथ ट्रॉल हो चुकी है ऐश्वर्या राय बच्चन भी, और ये ट्रॉल हुई थी अपने कांस के लुक को देखकर। बता दें कि उन्होंने ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, बहुत ही ज्यादा वो खूबसूरत दिखाई दे रही थी। यहाँ उनका मेकअप ओवरऑल बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो उन्होंने पर्पल लिपस्टिक लगाई, जो उन पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी, इस बात की वजह से वो हो गई सोशल मीडिया पर जमकर ट्रॉल। लेकिन इस बात का जवाब कभी भी देती हुई ऐश्वर्या नजर नहीं आई है कि आखिर उन्होंने इतना वियर्ड लुक क्यों चुना। कंगना रनौत भी हो चुकी है अपने कांस के लुक की वजह से काफी ज्यादा ट्रॉल। यहाँ उन्हें भी नाम दिया गया था मधुमक्खी का छत्ता। दरअसल उन्होंने अपने बालों को इस तरह से यहाँ कर्ल कर लिया था कि वो कुछ ज्यादा ही घूम फिर कर पहुंच गए थे ऊपर, जहाँ उनके बालों को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि उन्होंने इस लुक को बनाने से पहले जरा सा भी सोचा नहीं होगा। तो वहीं उन्होंने जो आई मेकअप किया है, उनके लुक को हद से ज्यादा डिफरेंट बना रहा है, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन उनका ओवरऑल लुक बिल्कुल ठीक ठाक ही था। बल इस लिस्ट में अब आखिरी नाम आता है निशा देवगन का। निशा देवगन को अक्सर ट्रॉल किया जाता है उनके लुक की वजह से, लेकिन अपने मेकअप की वजह से वो इस वजह से ट्रॉल हो गई क्योंकि उनके दादा यानी कि अजय देवगन के पिता वीरू देवगन के निधन के एक या दो दिन बाद ही उन्हें पार्लर से बाहर आते हुए देखा गया था, जहां उन्होंने मेकअप किया हुआ था, और दर्शकों को, फैंस को, ट्रॉलर्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और निशा देवगन को इस वजह से सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ते हुए काफी ट्रॉलर्स नजर आए। वे अगर फिर से बात की जाए रानू मंडल की, तो उनका सोशल मीडिया पर यहाँ ट्रॉल होना किसी को भी रास नहीं आ रहा है। जो तस्वीरें ट्रॉल की जा रही हैं देखकर उन्हें फेक कहा जा रहा है। जो मेकअप कर रही थी रानू मंडल का जो आर्टिस्ट थी, उन्होंने ही अब यहाँ ये न्यूज वायरल की है सभी के सामने। वो लेकर आई है बात कि रानू मंडल की तस्वीरें दरअसल फेक है, जहाँ वो ओवर मेकअप में दिखाई दे रही हैं। उनका रियल मेकअप ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा सटल लुक था, जहाँ उनको कुछ हद तक अलग दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये मेकअप जरा सा भी बुरा मेकअप नहीं था, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एडिट करके इसे दिखाया जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर ये रिपोर्ट तो हाल ही में सामने आई है, लेकिन जब से ट्रॉल हो रही है रानू मंडल, उनका साथ देते हुए भी काफी सेलिब्रिटीज नजर आए हैं, जिसमें से भुवन बाम भी एक है, यानी कि आप सभी के बीबी यानी कि बीबी के वाइंस वाले। ये कहते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं कि रानू मंडल कोई बड़ी स्टार नहीं, कोई ऐसी स्टार नहीं जो सालों सालों से
बॉलीवुड इंडस्ट्री से वाकिफ रखती हूँ। उन्हें यहाँ पर आने का चांस मिला है। उनका यहाँ पर जीवन हद से ज्यादा बदल चुका है और अगर वो इस तरह के चांस उठा भी रही है तो उन्हें ट्रॉल करना कहीं से भी ठीक नहीं होगा। वेल, इस बारे में आप सभी क्या कहना चाहते हैं? उनका लुक आप सभी को फेक या रियल कैसा लगता है ये कमेंट करके जरूर बताएगा, और जो लुक को लेकर वो ट्रॉल हो रही है ये भी कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।